अप्रैल का बाद क्या आता है? वो देखो देखो इतना सुंदर लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हम लोग जस्ट थोड़ा पहले हम लोग ईटानगर से चैंग ताजो जा रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पहुँचे पक्के किशन का ये एक जगह में। ये कौन सा जगह मालूम नहीं है, तो देख सकते हैं पेमा होटल बुक के नाम है। एंड हम लोग को ले जा रहे हैं सामा बाजार। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक हम लोग जब ये चैंग ताजो में पहुँचेगा तो ये मेरा चैंग ताजो का फर्स्ट व्लॉग होगा। थोड़ा पहले फर्स्ट में जो होटल में हम लोग खाना खाया था तो उसमें हम बताया था कि हाँ ब्रेकफास्ट था ना, हाँ हम लोग परता खाया था, परता तो परता खाया था। हाँ तो हम जो बोला था कि लाइक सेपा का थोड़ा ऐसे जगह को दिखाएगा, एक्चुअली जगह को दिखाने के लिए था, लेकिन थोड़ा हम लोग बदन तक नहीं करने से तो हम सोचे कि अभी ये हम लोग सेपा पहुँच गया, सेपा से हम लोग अभी जा रहे हैं बाकी। तो बाकी में हम लोग जो रुक के खाना साना खाएगा। एंड हम लोग को पिका अभी हम लोग गाड़ी चेंज किया, यहाँ देख सकता है ये कितना मॉडर्न तरीक सलमान का ना। हाँ और ये गाड़ी समा पाया का वो इतना क्या बोलूँ आतिफ उत्तम उसको तरह बाद में जहाँ में व्यू अच्छा होगा तो वहाँ में बहुत मजे से हम करे। और मेरा भी एक ड्रीम था कि छोटा बचपन से हम ये ऐसे में एक बार करा गया ना, ये चैंग ताजो का फर्स्ट टाइम है। एंड यहाँ से लेकर मैं चैंग ताजो तक का एक व्लॉग्स बना देगा। तो चैंग ताजो का पर हम लोग का वहाँ में परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस का। हाँ ओम ओ माय गॉड, वाह वाह वाह, एक बंदरिया उठ चुकी है। ओ सॉरी सॉरी, तारीफ है क्या ना क्या, तारीफ ही था, तारीफ ही था। सो हम लोग का वहाँ में अभी परफॉर्मेंस ऐसे होगा तो परफॉर्मेंस का उसका ब्लॉग्स भी मैं अलग सा बना देगा। तो अभी के लिए हम यहाँ से सीधा जाएगा। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग यहाँ में चैंग ताजो पहुँच गया, बहुत रातों रात मैंने ब्लॉग्स बनाने भूल गया था एक्चुअली। वहाँ में हम लोग जो आ रहा था रास्ता जो कोई कोई जगह में खराब था, लेकिन चैंग ताजो का रोड जो इतना मस्त है ना, जैसे सोचा था जैसे एक्सपेक्ट किया था ऐसे नहीं है। तो रातों रात अभी पहुंच गया, अभी हम लोग सीधा जाके साउंड चेक करेगा, टाइम भी नहीं है, थोड़ा लेट हो गया। स्टेज तो अभी तक देखा ही नहीं दे रहा है, ग्राउंड कौन सा जगह में। तो अभी जो पहुंचने वाला है बहुत अच्छा लग रहा है यार गाइस यहाँ पे आके। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे चैंग ताजो में। सो वहाँ रहे वो देख सकते हैं वो स्टेज है, तो अभी हम लोग वहाँ में परफॉर्म करेगा। ठंडा है यहाँ में, ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत सारा यहाँ इससे। हाँ अब आयो सभी आगे गाइस, हम लोग का अभी जस्ट परफॉर्मेंस खत्म हुआ है। एंड यहाँ में हम लोग जो लाइक ऐसा है कि बहुत सारा ये भैया लोग को मिला है, बहुत अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ साउंड सिस्टम तो थोड़ा गड़बड़ था, ठीक नहीं था, लेकिन हम लोग का साथ में बहुत सारा नचा है। एंड वो लोग इन्जॉय किया मीन्स हम लोग भी बहुत ही खुशी है। तो बहुत सारा प्यार मिला है एंड भैया लोग भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए फिर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ चैंग ताजो में है और कल हम लोग का परफॉर्मेंस यहाँ में हुआ था। और कल रात जो एक्चुअली बहुत ही ठंडा था एंड लाइट भी पूरा ऐसे अप डाउन ऐसे हो रहा था। तो सुनने में आया कल रात जो मौसम ठीक नहीं था, बल्कि मीन्स कल रात ऐसे इतना कभी नहीं होता बोला। तो कल रात तो पूरा यहाँ में देख सकते हैं ये गाची लोग पूरा तूफान जैसे उड़ रहा था। एंड हम लोग का रूम जो पूरा रूम का ये ऐसे ना सीलिंग भी पूरा ऐसे हिल रहा था। तो अभी जैसे हम उठे एंड उठ के हम यहाँ में ये फ्रेशअप किया। एंड एक्चुअली हमको देखना था हिमालय, तो हिमालय को देख सकते हैं यहाँ से। तो आधा परसेंट यहाँ देख के ही दे रहे, आप लोग भी देख सकते हैं हिमालय। और वो जितना भी वाइट यहाँ में देख रहे हैं ना, ये पूरा बर्फ़ है। कल रात जो हम जो व्लॉग्स बनाने के लिए था एंड कल हम लोग आते आते भी और बहुत व्लॉग्स बनाना था, लेकिन ऐसे था कि
पूरा अंधेरा अंधेरा होने के साथ साथ यहाँ में बहुत ही ठंडा है। हम लोग जितना ठंडा एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ठंडा था। काला जो बहुत भयानक से ठंडा हो गया था, हाथ पूरा जम गया था, तो हम व्लॉग्स बनाने नहीं सही गए। एक्चुअली व्लॉग्स भी दिखाई भी नहीं देता, ऐसे हो रहा था लाइक फोगी फोगी, पूरा फोगी फोगी, अजीब सा था मौसम, जो इतना बहुत अलग सा डरावना था। तो हम लोग जो कलर परफॉर्म करने का साथ साथ यहाँ में आके हम लोग देख सकते हैं, ये बाहर में तरबेत है एंड वो हम लोग का रूम है एंड यहाँ में आधा बया लोग सोया है। अभी ये रूम में कौन कौन सो रहा है हमको मालूम नहीं है एग्जैक्ट, तो लेकिन अलग अलग हम लोग डिवाइड करके सोया हम लोग वो रूम में था। एंड अभी यहाँ से हम लोग थोड़ा दिलो अभी तक सो रहे दिलो उड़ने का बाद हम लोग शायद थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा घूमेगा होगा, इसका बाद हम सीधा निकल जाएगा सेपा। सेपा में हम लोग शायद आज स्टे कर भी सकते हैं, उसका बाद कल हम लोग का फिर से लद्दाख का प्रोग्राम है। तो आई होप कि लद्दाख में इससे अच्छा हो जाए। एंड कल रात थोड़ा साउंड सिस्टम भी थोड़ा यहाँ में ठीक नहीं था, जो मॉनिटर ऐसे को बनाता है वो कोई भी नहीं था, तो इलेक्ट्रिक वाला जो इलेक्ट्रिक मैन जो वो जबरदस्ती एडजस्ट कर दे रहा था, लेकिन वो बहुत क्यूट था। एंड हम लोग जितना हो सके अपना बेस्ट है एंड ऑडियंस को भी पसंद लगा यहाँ का, एंड जितना हो सके हम लोग क्राउड कराए। और ये देख रहे हैं ना, ये हम लोग का जो ये रूम का जो रूम से बाहर निकल कर ये फिर से दूसरा यहाँ में इसको क्या बोलेगा, ये शायद थोड़ा कुछ करा नहीं जगह है एंड करा के यहाँ में आराम से चाय सा यहाँ में पी सकता है, बहुत ही मजा है एंड अलग सा मजा है। एंड मुझे नहीं लगा था कि आज जो अलग सा ऐसे वो आएगा, धूप आएगा नहीं लगा था, लेकिन धूप अभी बहुत प्यारा सा निकल रहा है। और एक्चुअली ये जगह ही ऐसे है कि ये डायरेक्ट हिमालय का ऐसे हिमालय यहाँ में होने से, तो हिमालय जो राउंड करके रखा है ये जगह को, इस टाइप से देखने को इस टाइप मिलता है। तो यहाँ से भी शायद वो बादल क्लियर होने से दिखाई देगा होगा हिमालय, तो थोड़ा पहले आपको हम देखा है वहाँ से तो पूरा आइस दिखाई दे रहा है ना। ये रहा हम अभी ये ऊपर से जो नीचे नमा था, तो ये यहाँ हमें आगे हम खड़ा रहता यहाँ में, ये हम लोग का रूम जो, और यहाँ से अभी हम सीधा नीचे नमा था। तो और मुझे कल रात ऐसे लग रहा था कि यहाँ में जो वो कर सकते हैं ओके लाइक ये जगह रोस्टिंग वोस्टिंग करने के लिए, यहाँ में आग साग जलाने के लिए बात कर रहा था, लेकिन ऐसे यहाँ में हो सकेगा ही नहीं। रात में इतना भयानक से तूफान आता है, पूरा हवा जो इतना भयानक होता है एंड हवा पूरा हम लोग को ही उड़ाने के लिए कर रहा था। एंड अरे अब कोई और ही है जो कल रात का जो ये ऊपर देख रहे हैं, ये दरवाजा वाला में इसको जो खुलने नहीं सक रहा था, लाइक हवा जो इस साइड से ऐसा पुश कर रहा था, तो वहाँ से हम लोग ट्राई कर रहा था नहीं हो रहा था, लास्ट में जैसे तैसे करके हवा को हम लोग जीत गया। अल्लाह हम लोग का पहनने जगह पूरा ये पूरा माहौल हम लोग का था कलर जो हम लोग को ये माहौल को कलर दे दिया था। तो हम लोग का गाड़ी लोग पूरा यहाँ में पार्किंग करके रखा है, भैया का गाड़ी से हम लोग आया था, तो भैया जी ने बहुत अच्छा से ड्राइव किया था, क्या ही बोलेगा, बहुत ही अच्छा था। लेकिन और जिन्हें एक्सपेक्ट किया था चैंगदाजो का रोड ऐसे नहीं था, पूरा चैंगदाजो का रोड जो बहुत ही अच्छा है। और सुबह कलर हम एक्चुअली व्लॉग्स बहुत बनाने में लग रहा था लेकिन नहीं हो पाया, क्यों बोलने से अब आगे बताया लाइक मौसम ऐसे वेदर बहुत खराब था बोल के। और ये रहा हम लोग का बैठने जगह का सीढ़ी, ठंडा ठंडा सब लोग सो रहे हैं, सब लोग अभी तक सो रहे हैं, हम अकेला उठ गया। तो गाइस अभी जस्ट हम लोग जो ये होटल जो सर्किट हाउस है हम लोग जो निकल आता है, यहाँ देख सकते हैं दोनों भी उठ गया, गुड मॉर्निंग जैसे होता है ना। तो हमको जो ये ग्राउंड को दिखाने के लिए ये ले जा रहा है, तो हम भी ऐसे था कि आगे बाद में पंगम दी लोग जो उड़ने का बाद जो एक साथ देखेगा सोचा था, लेकिन वो लोग उड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हम पहले देख लेगा वो लोग से यहाँ में हम लोग कालकाना का आया था ये जगह में जो इसका अंदर में, यह मैं सुबह सुबह मम्मी जी लोग बहुत सारा यहाँ में वो कर रहे हैं अपना काम योकम का अपना काम में है, कमिटी लोग है ये लोग जो, तो हम लोग कल यहाँ में खाना खाया था ये है, और खाना बहुत ही टेस्टी था यहाँ में हम लोग खाते जमे एंड यहाँ सारे साथ बहुत ही धुआं था। और ये खिड़की को भी हम खुलने नहीं सक रहा था ये खिड़की, और क्योंकि खिड़की को खुलने से ऐसे हो रहा था कि हवा इतना ज़ोर से मार रहा था, फिर पूरा हवा करण से खिड़की को ढंग ढंग मार रहा, तो दैट्स व्हाई हम लोग को खिड़की को बंद करना पड़ा है। और फिर खिड़की को बंद करने से इतना ज़ोरदार से धुआं जो आग में पूरा घुस जाता है, आधा मरा हो रहा था, फिर बाहर भी नहीं जा सकता ये बाहर जाने से फिर ठंडा होता है, अजीब सा था कलर। अभी हमें गर्म पानी पीने के लिए
बहुत जल्दी करीब आ रहा हूँ सिटी का। अभी हम लोग फिर से निकल रहे हैं, हम लोग तीनों हम लोग तीनों जो ऊपर तक गया था, ये ऊपर जहाँ तक आगे काला जामे काना गया था, इसलिए हम लोग जो पैदल जाने के लिए था लेकिन ऐसे ऊंचा हो गया, तो अभी हम जिसे देते हैं ऐसे ऊंचा हो गया, दैट्स व्हाई हम लोग जो गाड़ी लेके जा रहे हैं तो थोड़ा गाड़ी से घूमे गया ना। हाँ, तो हम लोग का पीछे में और एक तो गाड़ी ज्वाइन हो गया और हम लोग सामने से ये चंगटा जो का मालपा बहुत ही फेमस है, तो यहाँ का मालपा भी टेस्ट करेगा। गुड मॉर्निंग, ये तो यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर ना दारी और ये एरिया जो पूरा पहाड़ पहाड़ एरिया है चंगटा जो लाइक ईटानगर जैसे, ईटानगर एंड नाहरलगन, नाहरलगन जो प्लेन एरिया है, ईटानगर जो ईटानगर जैसे, हाँ वो भी पूरा पहाड़ एरिया है, तो देख सकता है यहाँ में भी पूरा रास्ता जो ऐसे है कि लाइक बोंदिला का जैसे थोड़ा ऐसे टेढ़ा बेका टेढ़ा बेका होता है। ये ग्राउंड है ये जो ना, हाँ ये ग्राउंड में फुटबॉल वुटबॉल अभी टूर्नामेंट वर्नामेंट होता है हमेशा सब कुछ ना, तो ग्राउंड है अभी, और भी आपको ना वॉक कर करके दिखाएगा जहाँ पर आपको व्यूज और अच्छा मतलब आपको मतलब और अच्छे से दिखाई मिलेगा ना जगह जो कैसा है कैसा नहीं है ना। हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम हम बहुत कुछ देखने को मिल रहे हैं और हम भी आप लोग को दिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग व्यू है, बहुत ही अलग सा। ये देख सकता है ये ग्राउंड, और हमको मालूम ही नहीं था रास्ता कल रात हम लोग यहाँ में परफॉर्म किया था और ये जगह जो रात है बोल के दिखाई नहीं मिल रहा था ये एक आईवी है यहाँ पर हम लोग तो स्टे करने के लिए था लेकिन हम लोग को अलग जगह सर्किट हाउस में यहाँ पर पिएगा और यहाँ में हम लोग चाय पिएगा जो का जो ही हम लोग बहुत सुन के आया था उसका मलपा बहुत ही फेमस था ना, तो जमाना में यही चलता था ये मलपा देना। यहाँ में अभी ब्रेकफास्ट के लिए ये छह ऐसे पिएगा, छह एम मलपा, और यहाँ का मलपा बचपन से सुन के आया था बहुत ही फेमस, तो अभी ट्राई करेंगे। और हम लोग जो अभी जस्ट ये मालपुआ ऐसा खाया था बहुत ही टेस्ट लाइक गया, एंड खाने के बाद जो हम लोग जो सीधा निकल ये एक जगह में, जगह तो मालूम नहीं लेकिन पूरा रास्ता जो डाउन है आगे ऐसे ऊपर ऐसे कर रहा था एंड अभी ऐसे जगह का देखो इंडिया फ्लैग जहाँ में भी होता है बहुत ही सुंदर होता है हमेशा। गाड़ी से हम लोग अभी जस्ट नमा है, नमने का बाद अभी ये मामा जी का ये मामा जी को मिलेगा बोले। अभी हम लोग यहाँ में एक जगह में विजिट किया, एक घर में विजिट किया था और यहाँ में एक दोस्त को मिले, वहाँ देख सकते हैं ये दोस्त हम लोग के लिए ये दूध अमूल अमूल ताजा पिताजी है ना, हम लोग को बहुत प्यार से चाय पिलाने के लिए बात किया, तो हम लोग जो अभी बैठ के चाय पिएगा उसके बाद थोड़ा घूमेगा फिर से देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन 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 घर घर का पूरा टीना जो पूरा ग्रीन करके रखा है, तो इसका भी एक यूनिकनेस है हर जगह ग्रीन करके रखा है ये घर का। और हम लोग जो वो उधर में बैठ रहे हैं कहाँ में था वहाँ देख रहे हैं ना ये वाला हम लोग यहाँ में बैठ रहा था और हमको मालूम नहीं था अभी पता है यहाँ में हम लोग बैठ रहा था बोल के, तो यहाँ से अभी देख रहे तो हाँ सच में भी देख रहे ये जगह का ना हर टीना को नोटिस किया है पूरा टीना ग्रीन 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 ओके पूरा गच्ची जैसे ग्रीन टाउन अप्रैल का बात क्या आता है क्यों गाली दे समा भैया का साथ हम लोग यहाँ फिर से आए आगे जामे आया था समा भैया बॉस लग रहा है बॉडी गार्ड दोनों भैया धनी पीछे पीछे यहाँ देख सकता है अभी और भी अच्छा दे रहा है लाइक थोड़ा ऑलमोस्ट फोगी जो हार गया आगे जितना फोगी था पूरा हिमालय देख सकता है ये पूरा बर्फ एरिया हो इतना सुंदर लग रहा है। हम लोग ये आया है ये बिल्डिंग ऊपर में तो जहाँ में हम लोग अभी आए हैं तो उसका बिल्डिंग ऊपर में तो हम लोग यहाँ में एक्चुअली ये करने के लिए था ये व्यू देखने के लिए था यहाँ का तो बिल्डिंग ऊपर से व्यू इस टाइप देखते हैं वो देखो देख इतना सुंदर लग रहा है ये कितना मजा लग रहा है ये व्यू को और ये बादल वाला जो एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अगर ये बादल जो ये नीचे में जो पूरा फोगी बन के रखा था तो अभी उठ के अभी एक ऐसे लग रहा है कि ये वोल्केनो जो फट के
ऐसे निकल रहा जैसे। तो अभी हम लोग जो सीधा ये ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का साथ साथ हम लोग डायरेक्ट खाना खाएगा अभी ब्रेकफास्ट में, और खाना खा के हम लोग पूरा निकल जाएगा यहाँ से। पहन के मतलब ठीक है, पहले फिनिश कर देगा। ओके तो गाइस हम लोग का अभी जस्ट खाना खत्म हुआ है, और खत्म होने के साथ साथ हैप्पी एंडिंग हुआ है बोर्ड इस्माइल के साथ में। और आप लोग को हम दिखाना चाहता था ये प्लेट को, तो मैं खत्म कर दिया के लिए चाटू को भैया इसको उठा के ले जा रहा था। और दोनों तो अभी तक खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, चार प्लेट ऑलमोस्ट चार प्लेट हो गया, और अभी और खाएगा बोला है। हम इसको प्लेट को वापस मांग रहे तो हम फेंक देगा। अमन वमन पैक हो गया ये, अभी हम लोग यहाँ से होटल से होटल मैं सर्किट हाउस यहाँ से हम लोग अभी निकल जाएगा। और हम लोग का ये गाड़ी में पूरा ये बैलू जो पूरा ये सामान को पैकिंग कर रहा है, उसके बाद हम लोग अभी सीधा निकल जाएगा। चलिए तो मिस करेगा चाहे तो का यहाँ भैया आलू को भी बहुत मिस करेगा, और परफॉर्मेंस तो अच्छा था दिया ने मेरा। हम क्या बोलने वाला था हम भूल गए थे आने कारण से। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।